गर्मी शुरू होते ही बाबा बैजनाथ की नगरी बागेश्वर के जंगल आग से धधकने लगे हैं। जंगलों में आग इतनी भयानक लगी है कि चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए वन महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ये आग जिला मुख्यालय के समीपवर्ती जंगलों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों तक लगी है और धीरे धीरे आसपास के जंगल भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं। वहीं जंगलों में आग लगने से वन संपदा के साथ साथ जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ये आग बागेश्वर रेंज के रेखौली, खबडौली, पंद्रापाली और डोबा समेत दर्जनों जंगलों में लगी है, जबकि कपकोट रेंज के जगथाना, फरसाली और पोथिंग क्षेत्र के जंगल भी आग में झुलस रहे हैं। फिलहाल वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वनाग्नि की केवल 9 घटनाएं दर्ज हुई हैं। वनाग्नि से अब तक 7.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया है। वहीं लोगों का कहना है कि जंगलों में लगातार लग रही आग से वन संपदा को नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा तो ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संपदा और हमारे जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, ये हर साल आग लगने से नष्ट हो रही हैं। और इसका जो धुआं है वो जो हमारे अस्थमा वाले जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अधिक हानिकारक है। तो ये तो धुआं तो हानिकारक होता ही है, लेकिन इस धुएं को हम कंट्रोल में कैसे करें, इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। सबसे मेन चीज़ यह है वन विभाग और क्षेत्रीय ग्रामीणों का आपसी ताल। देखिए, जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग गई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है, आँखों में जलन बनी रह रही है, खुजली लग रही है, इरिटेशन हो रहा है। डॉक्टरों को भी दिखाया था मैंने, मेरे पर्सनल दिक्कत भी हो रही है और उसके बाद वही आई ड्रॉप दे रहे हैं और बार बार हमको आंखें धोते रहनी है, इसी तरीके से बचाव हो पा रहा है। लोगों को चाहिए कि ऐसे जंगलों में आग ना लगाएं और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। कई जीव जंतु, पेड़ पौधे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, तो इससे बचना। आग की घटनाएं तो नियंत्रण, क्योंकि मॉइस्चर तो रहा नहीं है, इस समय पूरा सूखा हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं है, तो सूखा है तो बिल्कुल फ्यूल का ही काम कर रहा है और चीड़ के पत्ते तो खासकर ज़्यादा ही घातक हो रहे हैं। तो अब तक आग की सूचना तो कम से कम 20-22 तकरीबन आग जनवरी से लेकर अब तक ये सब कुछ हो चुका है और जिस पर हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्य किया गया है और आग को बढ़ने से रोका भी है। कई बार तो घर तक भी पहुंच गया था, जैसे कि ये चंडी मंदिर के पास में ही नीचे गधेरे से लगते हुए मकान तक पहुंच गई थी, उसको नियंत्रण में किया। और अभी ये कार हमने इधर ये झिरौली मार्ग पे ही हुआ था तो वहाँ बचाया। तो लगातार हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और व्यक्तियों से, लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि जागरूक। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के अधिकारी का कहना है कि जहां भी आग लगने की सूचना मिल रही है वहां विभाग तुरंत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग ने 20 से अधिक घटनाओं को रोका है। बहरहाल बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक इस आग पर काबू नहीं पा सका है। फिलहाल वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद लेकर आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।